खबर अलवर से। अलवर के अरावली बिहार थाना अंतर्गत आदिनाथ स्कूल के पूर्व चेयरमैन पवन जैन के साथ हुई 20 लाख रुपए की ठगी। पीड़ित पवन जैन ने बताया कि बिना ओटीपी के बिना मेल पर सूचना आए ठगों ने पहले मोबाइल बंद करवाया और चार बार में 20 लाख रुपए अकाउंट से निकाल लिए। वहीं अकाउंट में 20 लाख रुपए में से केवल 167 ही छोड़े। ठगों ने चार बार में पूरे अकाउंट को खाली कर दिया। वहीं जांच करने पर पुलिस और लखनऊ की ब्रांच में यह पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जाँच में जुट गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा अरावली बिहार में है, जिसमें हमारी लिमिट भी है, और कल शाम को 7:30 के आसपास जिस फर्म का हमारा अकाउंट है उस जिस दो नंबर अटैच है वो मोबाइल ही हमारा हैक हो गया और मोबाइल ही बंद था और बिना ओटीपी आए और बिना ही मेल पे मैसेज आए। अकाउंट में करीब 20 लाख रुपए थे तो उसमें कुल 167 रुपए छोड़कर बाकी रुपए चार बार में ट्रांजेक्शन कर और वो अकाउंट में से निकाल लिए। और उसमें अब जानकारी लगी है कि वो अकाउंट में से रुपए निकल के करीब 5 लाख रुपए तो गए हैं विकासपुरी दिल्ली की ब्रांच में, फेडरल बैंक में, और करीब 14,30,000 रुपए गए हैं लखनऊ ब्रांच में फेडरल बैंक की में, और वहाँ से भी वो पैसे निकल चुके हैं। प्रयास जारी है, सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग थाने में FIR हमने लॉन्च करा दी है। किस तरीके से इन्होंने आपको कॉल किया, किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट हुए इनके? नहीं, कांटेक्ट है ही नहीं हमारा कोई कांटेक्ट है नहीं। हम तो जैसे रात को सो गए तो सुबह मोबाइल पे एक मैसेज था कि आपके अकाउंट से 7 लाख रुपए विड्रॉल हुए हैं। जब एक मैसेज था तो उस मैसेज पे भाई ने पूछा कि भाई साहब किसको किए हैं, भाई किए नहीं किसी को हमने। जब नहीं किए फिर 10 बजे जैसे बैंक खुली, बैंक आए तो पता चला बैंक पूरी साफ है, करीब 20 लाख। चार बार अलग अलग निकाले उन्होंने, तो जब पहली बार निकाला जब आपको पता नहीं लगा? नहीं, आया नहीं, मैसेज ही नहीं आया। 8:12 की पहली कॉल है कि हमने बैंक में चेक किया कि शाम को 8:12 पे पहली उसने निकाले, 8:12 से लेकर 8:30 तक में चार बार उसने निकाल लिए। मैसेज सुबह हमारे पास करीब रात के 2:15 का मैसेज है जो आया है 7,30,000 का, जो मैसेज हमने सुबह देखा उसमें भी एक ही मैसेज आया था। उस मैसेज के बिहाफ पे ही हम लोग बैंक आए सुबह। केवल 18 मिनट में चार बार उन्होंने पैसा हैक करके और निकाल के करीब 19,30,000 रुपये ट्रांसफर लेंगे बिना कोई ओटीपी बताए, बिना ओटीपी और बिना मेल पे आए, क्योंकि जितने भी बड़े अमाउंट है मेल पे भी आती है उसकी ओटीपी और मोबाइल पे भी आती है। ना तो मोबाइल पे ओटीपी हमारे पास है और ना ही हमारे मेल पे ओटीपी है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? पवन जैन चौधरी।